तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस लेदर जैकेट के साइज गाइड के बारे में, क्योंकि बहुत सारा डीएम आया था मेरे को और आप में से काफियों को कंफ्यूजन है कि उनको कौन सा जैकेट फिट आएगा अगर वो इस जैकेट के लिए जाते हैं। तो गाइस इस जैकेट के पहले मटेरियल के बारे में बात कर लें। तो गाइस ये एक फुल लेदर टाइप का जैकेट है, यानी कि ये जो है सिंथेटिक लेदर है और लेदर रिटेल ब्रांड का ये जैकेट है। इसको मैंने अजियो से मंगाया था, तो उस टाइम मुझे ऑफर में था और मैंने विंटर से पहले लिया था, तो मुझे थोड़ा सस्ता आया था, ये 1200 के प्लस के आसपास मुझे पड़ा था। लेकिन अभी आप इसको चेक करिएगा, अजियो पर ये अवेलेबल नहीं है, वहीं पर अगर आप अमेजन पर जाना चाहेंगे लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये आपको 1999 की मिल जाएगी। इसका मटेरियल सिंथेटिक है और मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है कि जब से मैंने विंटर के लिए मैंने यूज किया, मैंने भाई ने यूज किया, तो ये ठीक है, कोई वियर एंड टियर नहीं है। आप देख सकेंगे कि कोई वियर एंड टियर नहीं है। आपने में से किसी ने पूछा था कि कोई वियर एंड टियर है क्या, तो गाइज कोई वियर एंड टियर अभी तक नहीं है। ऑल्दो मैं इसकी केयर काफी करता हूँ क्योंकि इसको अच्छे से रखता हूँ मैं, तो कोई वियर एंड टियर नहीं है अभी तक, ठीक है, अपने प्राइस को ये जस्टिफाई कर रहा है। तो गाइस जिसके फिटिंग्स की हम लोग अब बात करेंगे पूरे डिटेल से, उसके पहले कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो लेदर जैकेट, आप कोई भी लेदर जैकेट लीजिएगा, तो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए फिटिंग्स को लेकर। तो गाइस पहला जो रूल है कि जो जैकेट होना चाहिए आपके यहाँ पे आर्मपिट में, ये जो बगल है यहाँ पे फिट आना चाहिए, और दूसरा जो है चेस्ट पे इनफ रूम होना चाहिए कि आप लेयरिंग भी कर सके, और साथ ही साथ थोड़ी सी ब्रीदेबिलिटी रहे कि अगर आप धूप में चले गए तो वो अगर स्वेट होता है तो वो ब्रीदेबिलिटी बना रहे, और साथ ही साथ जो स्लिप्स पे हैं स्लिप्स पे ज़्यादा रूम नहीं होना चाहिए, स्लिप्स आपको परफेक्ट है और थोड़ा सा आपको फ्रीडम हो कि आप चाहे तो स्लिप्स को ऊपर कर ले। और अगला जो रूल है उसमें है कि स्लिप्स थोड़े छोटे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्लिप्स परफेक्ट है, अगर मैं ज्वेलरी या वॉचे जो भी अगर पहनूंगा तो वो मेरे को समझ में आएगा, वो दिखेगा, अगर स्लिप्स काफ़ी बड़े रहते तो वो अच्छे नहीं दिखते, तो अपने को हमेशा स्लिप्स को ऊपर रखना पड़ता है। तो आप वैसे स्लिप्स के लिए जाइए कि जो इजीली ऊपर जाए। उसके बाद अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ आप जैसे कॉन्फिडेंट है उस हिसाब से जा सकते हैं फ्रंट लेंथ को लेके, नहीं तो अगर इसका जो रूल है कि आपका जो बॉटम वियर है उसके वेस्ट लाइन तक ये अपना जैकेट आ जाए, ठीक है। ये होते हैं कुछ रूल जो जैकेट लेते टाइम आप ध्यान में रखिएगा कि ये सब परफेक्ट हो। तो गाइस अब बात करेंगे इस जैकेट के बारे में कि अगर आप इसके लिए जाएंगे तो आपको किस टाइप का जैकेट किस साइज में आप लीजिएगा आपको फिट आएगा। मैंने ये एस साइज में ऑर्डर किया था, ये मेरे में एस थोड़ा सा फिट है, उतना अच्छे से रूम मेरे को नहीं दे पाता है। तो अगर आपको जाना होगा, अगर आपका चेस्ट 36 या 37 है देन आप एस साइज के लिए जाइए। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइज चार्ट को देख के कि इस जैकेट का जो साइज चार्ट है, अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जाना चाहते हैं तो 36 आपको मिल जाएगा, लेकिन आप 2 से 3 इंची का बफर रखिए कि अगर आपका एग्जैक्ट चेस्ट 36 है देन आप एस साइज के लिए जाइएगा, ठीक है। अब 2 इंच का बफर रखिए, एस अगर आपका चेस्ट 36 है एग्जैक्ट 36 है देन आप एस साइज के लिए जाइए। मैंने जो पहना है ये एस है, इसके लिए आप जाइए। मेरा जो चेस्ट है 37 प्लस है यानी 38 से थोड़ा सा कम है, मुझे एम साइज के लिए जाना चाहिए था जहाँ पे मुझे एम 40 इंचेज मिल जाता चेस्ट पर, और बाकी जो फ्रंट लेंथ है ये भी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती, उतना उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपका चेस्ट 37 है 38 है देन आप एम साइज के लिए जाइए, अगर आपका चेस्ट 40 है देन आप एल साइज के लिए जाइए, या इस एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा रूम मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप लेयरिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा टोटल कन्फ्यूजन, मैंने खत्म कर दिया कि अगर आपका चेस्ट कितना है तो कितने साइज के लिए जाना चाहिए। अगर आप थोड़े से हेल्दी है देन आप एक साइज बड़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आप एक स्लिम फिट लुक चाहते देन आप 1 साइज डाउन कर सकते हैं साइज चार्ट को देख के। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है आपको साइज को लेकर देन फील फ्री टू रीच मी एट इंस्टाग्राम, लिंक आपको मिल जाएगा पहले नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, कोई कमेंट क्यूरी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जैकेट कैसा लगता है आपको। अगर आपको लेना है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस अगर कोई लेदर जैकेट आप यूज करते हैं किसी दूसरे ब्रांड की, तो उसका ब्रांड जो भी है नीचे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस हम जरूर उसको चेकआउट करेंगे कि कैसा है, अगर फ्यूचर रहा तो मैं भी परचेज कर लूंगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, मसाला, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, टू माय लवली फ्रेंड्स।